अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले पाकिस्तान की नई आतंकी साजिश का खुलासा। खुफिया जानकारी के मुताबिक कश्मीर में हालात खराब करने की नाकाम कोशिश में है पाकिस्तान। ऊर्जा प्रदेश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा परियोजना से विकास की इस नई ऊर्जा ने युवाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार तो खोले ही हैं। ये पलायन रोकने और राज्य को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा देने में भी कारगर होगी। सोलर ऐसी स्कीम है जो सरकार ने निकाली है, बहुत अच्छी स्कीम है। और जहाँ तक मैं अपना बिजनेस छोड़ के नोएडा से और यहाँ पे आया हूँ, ये बहुत अच्छा फील्ड है। ये बहुत अच्छा है, इस पर आगे पलायन रोकने के बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। सरकार के से धन्यवाद करूँगा मैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहाड़ों पे लगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा प्लांटों का आवंटन किया है, उसमें से 500 किलोवाट का मुझे भी आवंटित हुआ है। बगवाली पोखर ग्राम कामा में लगा रहा हूँ। हमारी जो बंजर जमीनें हैं वो ऊर्जा पैदा करेंगी और हमारी बंजर जमीनें बेकार नहीं पड़ी रहेंगी। पलायन रुकेगा, कुछ नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 283 उद्यमियों को 800 करोड़ के सौर ऊर्जा प्लांट आवंटित किए हैं। इनसे 202 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, उनमें अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 10, चंपावत में 2, चमोली में 10, देहरादून में 21, नैनीताल में 36, पौड़ी में 67, टिहरी में सबसे ज्यादा 77, पिथौरागढ़ में 1 और उत्तरकाशी में 23 प्लांट शामिल हैं। सोलर एक ऐसी एनर्जी है, एक तो जो सस्टेनेबल है, जो सदैव है, तो उससे हमारे को जहाँ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, लगभग हम 1,000 करोड़ की बिजली नेशनल ग्रिड से हम खरीदते हैं, वो निर्भरता भी हमारे कम, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य को अच्छा राजस्व भी मिलेगा। सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं से 850 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ साथ प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 303 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। समग्र विकास की ओर उत्तराखंड। दौरे से पहले ट्रंप ने भारत को दिया बड़ा झटका, निर्यात में सहूलियत की उम्मीद की खत। उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, यहाँ का बढ़ता पर्यटन और अनेक संभावनाएं गवाह हैं यहाँ बढ़ते निवेश के। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ मौजूद संसाधनों पर निर्भर करता है, जिसके लिए पूंजी निवेश आवश्यक है। उत्तराखंड अपने निवेश के लिए मददगार नीतियों के कारण पूंजीपतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। राजधानी दिल्ली से निकटता, यहाँ की जलवायु व भौगोलिक स्थिति, दक्ष मानव संसाधन, उच्च शिक्षण संस्था, श्रम असंतोष का न होना निवेशकों के आकर्षण की प्रमुख वजह है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश की असीमित संभावनाओं को चिन्हित कर ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे न सिर्फ पूंजी निवेश बढ़ा, अभी तो निवेश के कई नए आयाम भी खुले। हमने पिछले साल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसमें 1,24,000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU हस्ताक्षरित हुए थे। साथ ही 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर भी उतर चुके हैं। देवभूमि से जाने जाने वाली उत्तराखंड की धरती में पर्यटन, IT, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, वेलनेस सहित सेवा क्षेत्र की असीम संभावनाओं को पहचानते हुए उत्तराखंड सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। चार धाम हाईवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सह अन्य आधारभूत संरचनाओं के कई परियोजनाओं से न सिर्फ पूंजी निवेश हुआ, अपितु अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन, IT, वेलनेस, ऊर्जा, शिक्षा आदि में भी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सृजन हुआ है। अपने युवाओं के दम पे उत्तराखंड विकास के पथ पे अग्रसर हो चला है। बैंकॉक से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे 2 कोरोना संक्रमित लोग, बंगाल में 3 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन रोकने तथा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए होमस्टे योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थियों को सरकार 33% अथवा 10 लाख तक की छूट भी दे रही है। इस योजना में आप आमदनी हेतु अपने घर पर ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने एक उल्लार गृह आवास जेरी खाल में खोला है, कभी होम स्टे के नाम से। जब घर में सबको
रोजगार मिल जाएगा तो क्यों जाएगा आदमी बाहर। होमस्टे योजना सीमा सुरक्षा की समस्या का समाधान करने का भी रावत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अब उचित आवास एवं खानपान की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटक इन स्थलों की नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत का भरपूर आनंद ले रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी भारतीय परिवार की संस्कृति, परंपराओं और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमालयन माउंटेन होम स्टे के नाम से 70 वर्षों से पुराना घर है, इसमें हमने शुरू किया है। यहाँ पे देश के नहीं बल्कि विदेश के भी पर्यटक आते हैं। चारधाम यात्रियों को भी इस बार गांव में घर जैसा माहौल मिल रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने सभी पंजीकृत होम स्टेज को अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन सूचीबद्ध किया हुआ है। अपनी डिमांड पर खाना बनवाने जैसी कई सुविधाएं भी ऑनलाइन दर्ज हैं। होम स्टे योजना से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। काम करने वाले भी हमारे यहाँ सारे उत्तराखंड के हमारे भाई होते हैं, जो किसान भाई होते हैं उन्हीं से हम सब्जी लेते हैं, जिनके यहाँ मवेशी होते हैं उनके यहाँ से हम दूध दही लेते हैं। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये एक तरह से लोगों का पलायन रोक रही है। अतिथि उत्तराखंड गृह आवास योजना के तहत हमारा जो गांव में पुस्तैनी मकान था उसे हमने होम स्टे पे कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए हमें सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान भी मिला और हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। एक अनुकूल वातावरण उत्तराखंड में जो दिया है सरकार ने, उसका परिणाम है कि रिवर्स प्लान शुरू हुआ है, एक अच्छा संकेत। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक आधार पर होंगे पंचायत उपचुनाव, अधिसूचना जारी, 5 मार्च को होगा पहले चरण का मतदान। ऊर्जा प्रदेश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा परियोजना से विकास की इस नई ऊर्जा ने युवाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार तो खोले ही हैं। ये पलायन रोकने और राज्य को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा देने में भी कारगर होगी। सोलर ऐसी स्कीम है जो सरकार ने निकाली है, बहुत अच्छी स्कीम है। और जहाँ तक मैं अपना बिजनेस छोड़ के नोएडा से और यहाँ पे आया हूँ, एक बहुत अच्छा फील्ड है, ये बहुत अच्छा है। इस पर आगे पलायन रोकने के बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। सरकार के धन्यवाद करूंगा मैं, ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहाड़ों पे लगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा प्लांटों का आवंटन किया है, उसमें से 500 किलोवाट का मुझे भी आवंटित हुआ है। बगवाली पोखर ग्राम कामा में लगा रहा हूँ। हमारी जो बंजर जमीनें हैं वो ऊर्जा पैदा करेंगी और हमारी बंजर जमीनें बेकार नहीं पड़ी रहेंगी। पलायन रुकेगा, कुछ नौकरों को इसमें रोजगार मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 283 उद्यमियों को 800 करोड़ के सौर ऊर्जा प्लांट आवंटित किए हैं। इनसे 202 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, उनमें अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 10, चंपावत में 2, चमोली में 10, देहरादून में 21, नैनीताल में 36, पौड़ी में 67, टिहरी में सबसे ज्यादा 77, पिथौरागढ़ में 1 और उत्तरकाशी में 23 प्लांट शामिल हैं। सोलर एक ऐसी एनर्जी है, एक तो जो सस्टेनेबल है, जो सदैव है, तो उससे हमारे को जहाँ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, लगभग हम 1000 करोड़ की बिजली नेशनल ग्रिड से हम खरीदते हैं, वो निर्भरता भी हमारे पर, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य को अच्छा राजस्व भी मिलेगा। सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं से 850 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ साथ प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 303 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। समग्र विकास की ओर उत्तराखंड। राजनीति में बढ़ते अपराध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को जारी किया निर्देश। पार्टियों को उम्मीदवारों के आधिकारिक मामलों का रिकॉर्ड अपने वेबसाइट पर दिखाना होगा। उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, यहाँ का बढ़ता पर्यटन और अनेक संभावनाएं गवाह हैं यहाँ बढ़ते निवेश के। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ मौजूद संसाधनों पर निर्भर करता है, जिसके लिए पूंजी निवेश आवश्यक है। उत्तराखंड अपने निवेश के लिए मददगार नीतियों के कारण पूंजीपतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। राजधानी दिल्ली से निकटता, यहाँ की जलवायु व भौगोलिक स्थिति, दक्ष मानव संसाधन, उच्च शिक्षण संस्था, श्रम असंतोष का न होना निवेशकों के आकर्षण की प्रमुख वजह है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश की असीमित संभावनाओं को चिन्हित कर ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ पूंजी निवेश बढ़ा अपितु निवेश के कई नए आयाम भी खुले। हमने पिछले साल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसमें 1,24,000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU हस्ताक्षरित हुए थे। साथ ही 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर भी उतर चुके हैं।
देवभूमि से जाने जाने वाली उत्तराखंड की धरती में पर्यटन, आईटी, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, वेलनेस सहित सेवा क्षेत्र की असीम संभावनाओं को पहचानते हुए उत्तराखंड सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। चार धाम हाईवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सह अन्य आधारभूत संरचनाओं के कई परियोजनाओं से न सिर्फ पूंजी निवेश हुआ अपितु अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन, आईटी, वेलनेस, ऊर्जा, शिक्षा आदि में भी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सृजन हुआ है। अपने युवाओं के दम पे उत्तराखंड विकास के पथ पे अग्रसर हो चला है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी पर वार पलटवार, स्मृति ईरानी की तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन रोकने तथा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए होमस्टे योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थियों को सरकार 33% अथवा 10 लाख तक की छूट भी दे रही है। इस योजना में आप आमदनी हेतु अपने घर पर ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने एक उल्लार गृह आवास जेरीखाल में खोला है, कभी होम स्टे के नाम से। जब घर में ही सबको रोजगार मिल जाएगा तो क्यों जाएगा आदमी बाहर। होम स्टे योजना सीमा सुरक्षा की समस्या का समाधान करने का भी रावत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अब उचित आवास एवं खानपान की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटक इन स्थलों की नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत का भरपूर आनंद ले रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी भारतीय परिवार की संस्कृति, परंपराओं और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमालयन माउंटेन होम स्टे के नाम से 70 वर्षों से पुराना घर है, इसमें हमने शुरू किया है। यहाँ पे देश के नहीं बल्कि विदेश के भी पर्यटक आते हैं। चारधाम यात्रियों को भी इस बार गांव में घर जैसा माहौल मिल रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने सभी पंजीकृत होम स्टेज को अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन सूचीबद्ध किया हुआ है। अपनी डिमांड पर खाना बनवाने जैसी कई सुविधाएं भी ऑनलाइन दर्ज है। होम स्टे योजना से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। काम करने वाले भी हमारे यहाँ सारे उत्तराखंड के हमारे भाई होते हैं, जो किसान भाई होते हैं उन्हीं से हम सब्जी लेते हैं, जिनके यहाँ मवेशी होते हैं उनके यहाँ से हम दूध दही लेते हैं। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये एक तरह से लोगों का पलायन रोक रही है। अतिथि उत्तराखंड गृह आवास योजना के तहत हमारा जो गांव में पुस्तैनी मकान था उसे हमने होम स्टे पे कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए हमें सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान भी मिला और हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। एक अनुकूल वातावरण उत्तराखंड में जो दिया है सरकार ने, उसका परिणाम है कि रिवर्स प्लान शुरू हुआ है, एक अच्छा संकेत। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता नहीं, दिल्ली वालों को खुला निमंत्रण। ऊर्जा प्रदेश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा परियोजना से विकास की इस नई ऊर्जा ने युवाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार तो खोले ही हैं। ये पलायन रोकने और राज्य को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा देने में भी कारगर होगी। सोलर ऐसी स्कीम है जो सरकार ने निकाली है, बहुत अच्छी स्कीम है। और जहाँ तक मैं अपना बिजनेस छोड़ के नोएडा से और यहाँ पे आया हूँ, ये बहुत अच्छा फील्ड है, ये बहुत अच्छा है। इस पर आगे पलायन रोकने के बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। सरकार के से धन्यवाद करूंगा मैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहाड़ों पे लगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा प्लांटों का आवंटन किया है, उसमें से 500 किलोवाट का मुझे भी आवंटित हुआ है। बगवाली पोखर ग्राम कामा में लगा रहा हूँ। हमारी जो बंजर ज़मीनें हैं वो ऊर्जा पैदा करेंगी और हमारी बंजर ज़मीनें बेकार नहीं पड़ी रहेंगी। पलायन रुकेगा, कुछ नौकरों को इसमें रोजगार मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 283 उद्यमियों को 800 करोड़ के सौर ऊर्जा प्लांट आवंटित किए हैं। इनसे 202 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, उनमें अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 10, चंपावत में 2, चमोली में 10, देहरादून में 21, नैनीताल में 36, पौड़ी में 67, टिहरी में सबसे ज्यादा 77, पिथौरागढ़ में 1 और उत्तरकाशी में 23 प्लांट शामिल हैं। सोलर एक ऐसी एनर्जी है, एक तो जो सस्टेनेबल है, जो सदैव है, तो उससे हमारे को जहाँ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, लगभग हम 1,000 करोड़ की बिजली नेशनल ग्रिड से हम खरीदते हैं, वो निर्भरता भी हमारे कम, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य को अच्छा राजस्व मिलेगा। सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं से 850 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ साथ
प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 303 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। समग्र विकास की ओर उत्तराखंड। दिल्ली चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी बीजेपी, शुक्रवार को होगी समीक्षा बैठक। उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, यहाँ का बढ़ता पर्यटन और अनेक संभावनाएं गवाह हैं यहाँ बढ़ते निवेश के। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ मौजूद संसाधनों पर निर्भर करता है, जिसके लिए पूंजी निवेश आवश्यक है। उत्तराखंड अपने निवेश के लिए मददगार नीतियों के कारण पूंजीपतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। राजधानी दिल्ली से निकटता, यहाँ की जलवायु व भौगोलिक स्थिति, दक्ष मानव संसाधन, उच्च शिक्षण संस्था, श्रम असंतोष का न होना निवेशकों के आकर्षण की प्रमुख वजह है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश की असीमित संभावनाओं को चिन्हित कर ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे न सिर्फ पूंजी निवेश बढ़ा अपितु निवेश के कई नए आयाम भी खुले। हमने पिछले साल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसमें 1,24,000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU हस्ताक्षरित हुए थे। साथ ही 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर भी उतर चुके हैं। देवभूमि से जाने जाने वाली उत्तराखंड की धरती में पर्यटन, IT, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, वेलनेस सहित सेवा क्षेत्र की असीम संभावनाओं को पहचानते हुए उत्तराखंड सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। चार धाम हाईवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सह अन्य आधारभूत संरचनाओं के कई परियोजनाओं से न सिर्फ पूंजी निवेश हुआ अपितु अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन, IT, वेलनेस, ऊर्जा, शिक्षा आदि में भी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सृजन हुआ है। अपने युवाओं के दम पे उत्तराखंड विकास के पथ पे अग्रसर हो चला है। लगातार दो दिन बढ़त के बाद नुकसान में रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स 106.11 अंक की गिरावट के साथ 41,459.79 पर बंद हुआ। निफ्टी 26.55 अंक नीचे गिरा। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन रोकने तथा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए होमस्टे योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थियों को सरकार 33% अथवा 10 लाख तक की छूट भी दे रही है। इस योजना में आप आमदनी हेतु अपने घर पर ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने एक उल्लार गृह आवास जेरीखाल में खोला है कभी होम स्टे के नाम से। जब घर में ही सबको रोजगार मिल जाएगा तो क्यों जाएगा आदमी बाहर। होम स्टे योजना सीमा सुरक्षा की समस्या का समाधान करने का भी रावत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अब उचित आवास एवं खानपान की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटक इन स्थलों की नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत का भरपूर आनंद ले रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी भारतीय परिवार की संस्कृति, परंपराओं और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमालयन माउंटेन होम स्टे के नाम से 70 वर्षों से पुराना घर है, इसमें हमने शुरू किया है। यहाँ पे देश के नहीं बल्कि विदेश के भी पर्यटक आते हैं। चारधाम यात्रियों को भी इस बार गांव में घर जैसा माहौल मिल रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने सभी पंजीकृत होम स्टेज को अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन सूचीबद्ध किया हुआ है। अपनी डिमांड पर खाना बनवाने जैसी कई सुविधाएं भी ऑनलाइन दर्ज हैं। होम स्टे योजना से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। काम करने वाले भी हमारे यहाँ सारे उत्तराखंड के हमारे भाई होते हैं, जो किसान भाई होते हैं उन्हीं से हम सब्जी लेते हैं, जिनके यहाँ मवेशी होते हैं उनके यहाँ से हम दूध दही लेते हैं। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये एक तरह से लोगों का पलायन रोक रही है। अतिथि उत्तराखंड गृह आवास योजना के तहत हमारा जो गांव में पुस्तैनी मकान था उसे हमने होम स्टे पे कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए हमें सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान भी मिला और हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। एक अनुकूल वातावरण उत्तराखंड में जो दिया है सरकार ने, उसका परिणाम है कि रिवर्स प्लान शुरू हुआ है, एक अच्छा संकेत। रोहित शर्मा की जगह लेने को तैयार शुभमन गिल, कहा पहली बार ओपनिंग नहीं करूंगा। ऊर्जा प्रदेश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा परियोजना से विकास की इस नई ऊर्जा ने युवाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार तो खोले ही हैं। ये पलायन रोकने और राज्य को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा देने में भी कारगर होगी। सोलर ऐसी स्कीम है जो सरकार ने निकाली है
कि बहुत अच्छी स्कीम है। और जहाँ तक मैं अपना बिजनेस छोड़ के नोएडा से और यहाँ पे आया हूँ, ये बहुत अच्छा फील्ड है, ये बहुत अच्छा है, इस पर आगे पलायन रोकने के बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। सरकार के धन्यवाद करूँगा मैं, ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहाड़ों पे लगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा प्लांटों का आवंटन किया है, उसमें से 500 किलोवाट का मुझे भी आवंटित हुआ है। बगवाली पोखर ग्राम कामा में लगा रहा हूँ। हमारी जो बंजर जमीनें हैं वो ऊर्जा पैदा करेंगी और हमारी बंजर जमीनें बेकार नहीं पड़ी रहेंगी। पलायन रुकेगा, कुछ नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 283 उद्यमियों को 800 करोड़ के सौर ऊर्जा प्लांट आवंटित किए हैं। इनसे 202 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, उनमें अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 10, चंपावत में 2, चमोली में 10, देहरादून में 21, नैनीताल में 36, पौड़ी में 67, टिहरी में सबसे ज्यादा 77, पिथौरागढ़ में 1 और उत्तरकाशी में 23 प्लांट शामिल हैं। सोलर एक ऐसी एनर्जी है, एक तो जो सस्टेनेबल है, जो सदैव है, तो उससे हमारे को जहाँ हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, लगभग हम 1,000 करोड़ की बिजली नेशनल ग्रिड से हम खरीदते हैं, वो निर्भरता भी हमारे पर, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य को अच्छा राजस्व भी मिलेगा। सौर ऊर्जा की इन परियोजनाओं से 850 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ साथ प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 303 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा भी प्राप्त होगी। समग्र विकास की ओर उत्तराखंड। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।